Hello students, I am Hariun sir. Welcome all of you friends on my YouTube channel Hariun sir Chemistry Tips. जैसा कि आप जानते हैं, हमने कहा था कि हम पर डे अपने YouTube चैनल पर जो हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स के नाम से है, केमिस्ट्री 12th क्लास के लिए स्पेशल वीडियो सेंड करते हैं जिससे अधिक से अधिक बच्चे देखें। साथ में मेरा कहना ये है, यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ में अपने उन मित्रों यानी अपने फ्रेंड्स को भी भेजें जो इस समय इनको देखकर अच्छी स्टडी कर सके। साथ में मैं बड़ी वीडियो नहीं बनाता, बहुत शॉर्ट वीडियो होती है, बड़े आसानी से आप 10-15 मिनट 10 या 15 मिनट देखते हैं तो काफी टॉपिक को आप कवर कर सकते। ये जो मैं वीडियो सेंड कर रहा हूं ये 9th, 10th, 11th, 12th जहां तक लोअर क्लासिक 7th, 8th में भी काम आती है। हमने पीरियोडिक टेबल बताई थी, सबसे पहले ड्रॉ करना, फिर उनको फिलअप करना, साथ में ऑल एलिमेंट्स को कैसे इजी मेथड के थ्रू हम उसे लर्न कर सकते हैं, इसके विषय में हमने आपको बताया था। आज हम जो इस वीडियो में देना चाह रहे हैं, आज है कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं, मोस्टली क्या है, एटॉमिक मास आप कुछ एलिमेंटों के याद कर सकते हैं, अधिकतर वही आते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर के लिए बड़ी चेन होती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम एटॉमिक नंबर को रटते हैं। तो आपको एटॉमिक नंबर आज से रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको मैजिक नंबर बताऊंगा। उन मैजिक नंबर की हेल्प से आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोई भी एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर बड़ा इजीली याद कर सकते हैं। हमने ये वीडियो पहले भी सेंड की थी, मैंने बताया भी है, वीडियो बता रहा हूं कि किसी विशेष टेक्निक के कारण प्रॉब्लम के कारण ये डिलीट हो गई। तो देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूं, आज बोर्ड पर आप देखेंगे मैं लिख रहा हूं 8, 8, 18, 18 and just 32. This is magic number. This is magic number. आपको सिर्फ ये magic number याद रखने हैं। किसी भी element के atomic number को रटना नहीं है, केवल एक sequence याद रखिए, 8, 8, 18, 18 and just 32. बस। हाँ, यहां इस मैजिक नंबर को कैसे अप्लाई करना है ये आपको हम बता देते हैं। साथ में 1 to 10 जिनके एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 2-10 तक आप चाहे याद कर लें, याद न करें तो उसकी भी हमारे पास टेक्निक है, उसे भी आप बड़े इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले मैं, चलो भाई 1 और 2 तो याद रखना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, ये चीज आपको याद रखनी है, यानी कम से कम 2 तो आप याद कर सकते हैं। इसमें तो कोई टफ नहीं है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हीलियम का 2 होता है। शेष आगे जो 10 तक हमें जाना है तो ये बड़ा इजी है, और 10 के बाद आपका अप्लाई होता है, दिस इज मैजिक नंबर, नाम ही इसका मैजिक है। और वास्तव में हमारी वीडियो आप यदि रेगुलर वे में देखेंगे और आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और उस पर कमेंट भी अच्छी से लिख के भेजेंगे, तो मैं 100% बता रहा हूं आपको 12th केमिस्ट्री को बहुत मैजिक फॉर्म में आपको तैयारी करा दूंगा। देखिए, अब हमने बताया कि आपने हाइड्रोजन और हीलियम को याद कर लिया, चलिए अब बोले सर 10 तक हमने याद नहीं हो रहा, चलो 2 तो हमने याद कर लेंगे लेकिन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमें याद नहीं होगी, तो मैं इसका मेथड बता। आपने देखा, ये आपने बनाया होगा प्रोसीजर, इस तरह से बनाया होगा ये सिस्टम आपने, या हाइड्रोजन आपने कहा याद हो गया सर, हाइड्रोजन 1 हो गया, शेष अब जो अगला एलिमेंट आएगा सर 3 वाला, ये कैसे याद हो, या इससे अगले वाला सर यहां जो आएगा वो कैसे याद हो,
या आगे चल के बी ब्लॉक में आता है सर, वो कैसे याद हो? बात समझ में आ रही? देखिए हमने बताया हाइड्रोजन को छोड़कर इसी के इक्वल यहाँ बी ब्लॉक कर देते हैं। हल्का सा याद कर लीजिए टेबल को, टेबल पर थोड़ा सा फोकस करें। देखिए हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, किसमें आ रहा है? फर्स्ट में। आप क्या करेंगे, हमें इससे आगे जाना है, इसमें जाना है भाई, फर्स्ट से आगे जाना है हमें, समझ में आया? या आपको यहां जाना है, या आपको आगे जाना है, इससे आगे जाना है। मेरे कहने का से कि आप 3 से 10 तक कैसे याद करें, बात ये। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है, आप इसका याद करेंगे तो इसमें +2 ऐड कर दीजिए, जो ग्रुप होता है उसमें +2 ऐड कर दीजिए। ये फर्स्ट ग्रुप है तो इसमें +2 ऐड कर देंगे तो ये एल आई का एटॉमिक नंबर 3 निकल आएगा। इसी प्रकार इसे अगला जो आपने टेबल बनाई थी इस तरह से, ये सेकंड था, इस सेकंड में 2 ऐड कर दीजिए तो बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर निकल आएगा। अब इधर आपने देखा होगा बैंगन आलू, बैंगन आलू गाजर इनथैला, ये प्रोसेस थर्ड ग्रुप में वही +2 ऐड कर दीजिए, बोरॉन 5 निकल आएगा। फोर्थ ग्रुप में +2 ऐड कर दीजिए, फोर्थ ग्रुप में 2 ऐड कर दीजिए, कार्बन 6 निकल आएगा। इसी प्रकार फिफ्थ ग्रुप में 2 ऐड कर दीजिए, नाइट्रोजन 6 निकल आएगा। इसी प्रकार 6 में 2 ऐड कर दीजिए, ऑक्सीजन 8 निकल आएगा। और 7 में आप फ्लोरीन, 7 में 2 ऐड कर दीजिए, 9 F का निकल आएगा। और इसके बाद नियोन आ जाता है आपका, इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, 8 में आ जाता है, तो ये 10 आए। बात समझ रहे हैं? हमने ये बताया कि सर हमें 2 तक तो याद हो गए, 2 से आगे हम 10 तक कैसे याद करें? तो 10 तक आपको कैसे याद करना है, इसकी बड़ा इजीली ट्रिक है, आप देख सकते हैं, आप रटे ही नहीं, कि जिस ग्रुप का एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है उसमें 2 ऐड कर दीजिए। फर्स्ट वर्ग है, फर्स्ट ग्रुप है, 2 ऐड कर दिया, 2 + 1 = 3, तो LI3। इसी प्रकार लिथियम से आगे बेरिलियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर याद नहीं हमें, तो इस सेकंड ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप में +2 कर दीजिए, 4 हो जाएगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आ गया। इसी प्रकार थर्ड में आप 2 ऐड कर दीजिए, बोरोन का एटॉमिक नंबर आ गया। मेरे कहने का से विदाउट मैजिक नंबर हम 3 से 10 तक भी इस फॉर्मूले की हेल्प से याद कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? जिस ग्रुप का एलिमेंट है हाइड्रोजन से नीचे 3 से लेकर 10 तक, आप उस ग्रुप में 2 ऐड कर दीजिए। फर्स्ट ग्रुप का है तो +2, सेकंड का है +2, थर्ड का है +2, फोर्थ का है +2, फिफ्थ का, बड़े आसानी से याद करो। अब मैजिक नंबर का यूज कीजिए। देखिए मैजिक नंबर का मैं यूज करना आपको बताता हूं। मान लीजिए हमने एस ब्लॉक पर ध्यान दिया, एस ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 6। अब इसमें क्या है कि सर हम ऊपर के तो याद कर लेते हैं, बड़ा आसान है, लेकिन नीचे वाला जब आता है तो पता नहीं पड़ता, तो बस इसके लिए आपको यूज करना है। ध्यान रखिए इसका अप्लाई एस ब्लॉक पर होता है, और जैसे ही पी ब्लॉक में जाएंगे तो आप एक छोड़ देंगे और यहां से अप्लाई करेंगे। कैसे? देख हाइड्रोजन आपने याद किया, 1 में 2 ऐड कर दिए तो लिथियम का 3 हो गया एटॉमिक नंबर, हमको याद हो गया भाई इसका 1 हो गया और इसका 3 हो गया। अब बात आती है, अब यहां से मैजिक नंबर यूज करना है, इस पे करना है, इस पे करना है, इस पे करना है, इस पे करना है और इस पे, ये थोड़ा टिपिकल पड़ता है, लेकिन मैजिक नंबर बहुत इजी बना देते हैं। कैसे? देखिए हमने बताया हाली नाम की रवो
से फरियाद, ये फार्मूला हमारे पास कलम बता चुके हैं। अब आज एटॉमिक नंबर की बात, इस जो थ्री आ रहा है एलआई का थ्री है, कैसे आया, वन में हमने टू ऐड कर दिए तो थ्री आ गया, थ्री में हमें मैजिक नंबर, स्टैटिक मैजिक नंबर पर ध्यान दीजिए, एट ऐड कर दीजिए और आ जाएगा इलेवन, भाई एट प्लस थ्री इज इक्वल टू इलेवन। अब फिर सेकेंड मैजिक नंबर इज एट, तो आप फिर पुनः प्लस एड, 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 जो एट ऐड कर दीजिए, इलेवन प्लस एट इज इक्वल टू नाइनटीन, पोटेशियम के आया क्योंकि एटोमिक नंबर। अब मैजिक नंबर कौन सा आ गया, एटीन, तो आगे जैसे चलेंगे मैजिक नंबर में आगे बढ़ जाइए, प्लस एटीन कर दीजिए, एटीन और नाइनटीन इज इक्वल टू थर्टी सेवन, आरवी का याद हो गया एटॉमिक नंबर। इसके जस्ट बाद आगे चलते हैं आप, फिर 18 आ रहा है तो 37 में फिर 18 ऐड कर दीजिए, तो आपको इसका 13, 50 और 55 बड़े आसानी से आ गए। अब क्या आ गया लास्ट है 32, तो 55 में 32 ऐड कर दीजिए आप, तो 787 आप देख रहे हैं, 11, 19, 37, 55, 87 विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर टू फाइंड आउट द फॉलोइंग एटम नंबर, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। किसी भी ग्रुप को ले लीजिए और आप उसके एटॉमिक नंबर को रटने की जरूरत नहीं। आगे आप देखिए, आप कहेंगे इसको और भी एग्जाम्पल करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा याद होगा आपको। मैं यही पर सेकंड ग्रुप, ये तो फर्स्ट था, अब सेकंड ले लेते हैं। सेकंड आपने देखा होगा कल ड्रॉ की होगी, हमने यहां बताया होगा यहां पर इस तरह से ड्रॉ हो रही होगी। हमने बताया कि सेकंड में, सेकंड ग्रुप में टू ऐड कर दीजिए तो बेरिलियम का फोर आ जाता है। हमने बताया था कि थ्री से लेकर टेन तक जो ग्रुप होता है उसमें टू ऐड कर दे तो 3 से 10 तक एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब उसके बाद विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर 4 में आप प्लस 8 ऐड कर दीजिए और आपका आ जाएगा 12 mg, 12 mg, फिर 8 ऐड कर दीजिए आ जाएगा आपका Ca20, और फिर 8 ऐड कर दीजिए आपका आ जाएगा 38 SR, और फिर आप यहां 18, फिर 18 ऐड कर दीजिए और आ जाएगा आपका 18 में 12 और 56 BA, और फिर कर दीजिए प्लस 32 तो आ जाएगा आपका 88 RE। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम 88, 56, 38, 20, 12। कितना इजी है, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना आपको, इनका यूज करना। 4 के बाद सेकंड ग्रुप में, 3 के बाद फर्स्ट ग्रुप में, फिर आप आ जाएंगे थर्ड में, उसमें 5th के बाद, फोर्थ में आप 6th के बाद, और 6th में इस तरह से आप इसको ऐड करते चले जाएंगे, बड़ा इजी हो। आप समझ सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। पी ब्लॉक में आपने देखा होगा, पी ब्लॉक इस तरह से, पी ब्लॉक में थर्ड ले लें, थर्ड बुक में आपने देखा कि 5 बोरॉन 5, थर्ड में 2 ऐड कर देंगे तो बोरॉन 5 आ जाएगा। अब इसमें यही चीज कर दीजिए, प्लस 8 कर दीजिए, Al13 आ गया, हो गया क्लियर, कितना आ गया 13। लेकिन इसमें याद रखिए, इसमें ये चीज आप भूल जाए, पी ब्लॉक में अप्लाई होता है यहां से, एस ब्लॉक में टोटल मैजिक नंबर और पी में आपको ऐड करना 8, फिर 18, फिर 18, फिर 30, क्योंकि एलिमेंट कम हो जाती है। देखें आप यहां आप करेंगे प्लस 18 तो ये आएगा आपका GA बाई बैंगन आलू गाजर 18 और 30 ऐड कर दीजिए आप 31, और फिर 18 ऐड कर दीजिए आप तो इन यानी कि 9 49,
और एल आर टी एल यहाँ 32 ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 11 और 81। कितना आसान है देखिए आप, एटॉमिक नंबर बड़े आसानी से, ध्यान रखिए पी ब्लॉक पर मैजिक नंबर 8, 18, 18, 32 क्योंकि एलिमेंट कम हो जाते हैं, और डी ब्लॉक पर सॉरी एस ब्लॉक पर 8, 8, 18, 18, 32 को आप अप्लाई कीजिए और किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बड़ा इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सोचेंगे आप, सर चलो इसे तो हम याद कर लेंगे, सर डी ब्लॉक कैसे याद करेंगे? डी ब्लॉक बड़ा इजी है। यदि आप पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करना जानते हैं तो डी ब्लॉक बड़ा इजी है। कैसे? आपने देखा होगा कि डी ब्लॉक को हाइड्रोजन एलाई लेना की 1, 2, 3 और 4 यहां से डी ब्लॉक शुरू होता है। आपने देखा होगा डी ब्लॉक यहां से शुरू होता है और डी ब्लॉक में हमने बताया था डी 10 होते हैं तो इसमें 10 एलिमेंट होते हैं। आप 19 ऐसे याद कर लेंगे और इसके बाद जो आएगा यहां ये, तो ये आपने करा होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम और ये कैल्शियम 20। अब 20 से आगे जो प्रोसीजर जाएगा वो 21 से 30। भाई 20 आपको यहां कोई जरूरत नहीं है, केवल डायरेक्ट, लेकिन ध्यान रखिए ड्रॉ का जो मेथड है, ड्रॉ का जो मैप है वो आपके माइंड में होना चाहिए। कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज स्टार्ट होती है 20, 21 से 30 तक। इसके बाद अगला जो आपको याद रखना है कि कैल्शियम से आगे 38 से स्टार्ट होती है इसकी सेकंड सीरीज डी ब्लॉक की, तो आप 39 से और आगे 10 ऐड कर देंगे। इसी प्रकार यहां पर आप 18 ऐड कर देंगे यानी 50 सेविल से, कितना ऐड होता है इसमें 18, देखिए इसमें 38, 8, 8, 18, 18, तो 57, 18 हो गया, सॉरी 56 आएगा, कितना आएगा 56। अब आप आ जाएंगे 57 में, क्या आ जाएंगे 57। अब यहां 57 और 89 में बस एक चीज याद रखना, 57 से देखिए इधर, इधर मैं ऊपर कर देता हूं, हमने यहां तक तो देख लिया कि 38 से आगे 39 से लेकर 10 आप ऐड कर देंगे, दोनों सीरीज डी ब्लॉक की कंप्लीट हो जाएंगी। थर्ड सीरीज जब करेंगे 57 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखिए 57 से 71 और 89 से 103, ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट हैं, इसीलिए आप 57 के बाद स्टार्ट करेंगे 72 से, क्योंकि ये सीरीज एफ ब्लॉक में नीचे है, इसलिए आपको डी ब्लॉक की ये सीरीज कंप्लीट करनी है थर्ड, तो 57 के बाद जो एलिमेंट आएगा वो 72 से आएगा। और इसी प्रकार फोर्थ सीरीज में 89 के बाद जो एलिमेंट आएगा वो 104 से आएगा, क्योंकि इसके बीच के जो एलिमेंट है आपने देखा होगा पीरियड टेबल में नीचे ए ब्लॉक में है, इसीलिए इनका गैप हो जाता है और फिर वही सीक्वेंस क्रम से होगा 72, 73, 74 जहां डी 10 होता है खत्म। तो बड़ा इजीली है एटॉमिक नंबर याद करना, समझ में आ गया होगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम 100 से ऊपर जो भी एलिमेंट आते हैं उसकी आईपीसी और प्लस पीरियोडिक टेबल को किस किसने ओरिजिनेट किया, किस किसने अपने आइडियाज दिए, किस किसने थ्योरी दी, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।